हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा एक फेयरनेस क्रीम का रिव्यू एंड डेमो करने वाली हूँ। काफ़ी फेमस ये क्रीम है जो कि इस डेट में अभी इतना कोई चर्चा में नहीं जितना ये पहले हुआ करता था। तो मैं जो बात कर रही हूँ, ये फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम। तो बचपन से हम इस क्रीम को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि ये पाउच में भी आ जाता था, क्योंकि 5 रुपये में जो मिलता था। और अभी का डेट में इसका जो रेटिंग है वो कम हो चुका है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फेयरनेस क्रीम आ चुके हैं, इसीलिए ये क्रीम थोड़ा कम हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं इसे अच्छा से हॉनेस्ट तरीका से रिव्यू एंड डेमो करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या सच में फेयर करता है हमारे स्किन को। तो ये है फेयर एंड लवली ग्लोइंग एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम, जो कि है ओरिजिनल फार्मूला, द ओरिजिनल फार्मूला। तो बात कर ली इसकी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी है 50 ग्राम। और बात कर ली इसकी प्राइस की, तो प्राइस है 120 रुपीज़। तो अफोर्डेबल से है, कुछ खास महंगा नहीं है ये, मगर ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है क्योंकि ये सच में एक फेयरनेस लेयर देता है। ये हमारे फेस को क्या प्रोवाइड करता है, यानी क्या करता है हमारी स्किन में ये? तो ये हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करता है। तो क्या सचमुच ये करता है हमारे फेस में, हमारी स्किन को ब्राइट करता है, या फिर से डार्क मार्क्स जो हमारे डार्क मार्क्स जो होते हैं हमारे फेस में उसे थोड़ा कम करता है ये? और ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है, और ये हमारे स्किन को अंदर से जाके, यानी हमारे गहराई से जाके हमारे फेस को ये साफ करता है। तो क्या सच में ये कुछ करता है कि नहीं, चलिए तो इसे डेमो कर लेते हैं हम। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खूबसूरत पैकेजिंग है। तो काफ़ी फेमस है ये फेयर एंड लवली, जो कि आज भी इसका नाम जाना जाता है। तो अंदर से मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से कुछ आ जाता है। पिंक एंड वाइट इसका पैकेजिंग का कलर है, आप देख सकते हैं। तो द ओरिजिनल फार्मूला इसमें अपनाया गया है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन है इसमें, एडवांस मल्टीविटामिन है इसमें। तो देख लेते हैं कैसा ये वर्क करता है। तो अंदर से मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से वाइट कलर में आ जाता है। तो करती हूँ मैं अपने हैंड पे डेमो और दिखाती हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे हैंड पे। तो इस तरह से मैं डेमो कर लेती हूँ अपने हैंड पे, जो मैं आपको दोनों में दिखा देती हूँ ये फ्रेम। ये देखिए, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें और इसमें मेरे हैंड पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा वाइट लेयर दे देता है ये हमारे फेस में। सच में ओल्ड इज गोल्ड होता है क्योंकि ये पुराना है, मगर वही इसमें गोल्ड वाली बात है। एक बार में ही बहुत ही अच्छा ये एक लेयर देता है हमारे फेस को, बहुत ही अच्छे साफ कर देता है। ये देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी लगाने पर आप पूरा गोरा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं जिस वक्त आप लगाएंगे या बहुत ही अच्छा एक लेयर देगा, अपना वाइटनिंग से लेयर देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, फेयर मेरा साफ हो चुका है, यानी एक ब्राइटनिंग से एक ग्लो आ जाता है जो हमारे फेस में। चिपचिपा भी बिल्कुल नहीं है, स्टिकी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप चाहते हैं इसे रेगुलर डे क्रीम जैसे यूज़ करने, तो आप इसे 100% यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सच में आपको जो कॉस्टली क्रीम आता है उससे अच्छा ये आपको फ़ायदे देगा आपके फेस में। एक बहुत ही अच्छा से क्लियर करता है हमारे फेस में, वाइटनिंग लेयर देता है हमारे फेस में, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो काफ़ी अफोर्डेबल था और काफ़ी अच्छा क्रीम मुझे लगता है ये फेयर लवली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। बाय बाय।